कोटा के रावत भाटा में डॉन देवा गुर्जर की हत्या को लेकर बवाल मचा हुआ है। देवा के समर्थक और गुर्जर समाज के लोग भड़के हुए हैं। हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। वहीं पुलिस हालात संभालने की कोशिश में जुटी है। देवा के हत्यारों की तलाश के लिए जगह जगह तलाशी और छापेमारी चल रही है। इस बीच ये जानकारी भी निकल कर सामने आई है कि देवा की हत्या की प्लानिंग काफी दिनों से चल रही थी। इलाके में अच्छा खासा रसूख रखने वाले देवा से किसी ने लाखों की फिरौती मांगी थी और ना देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। जी हाँ, देवा को भी इस बात का डर था कि उसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। आइए आपको बताएं कि धमकी मिलने के बाद देवा ने क्या किया था। 10 लाख की मांगी गई थी फिरौती। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते किसी गिरोह ने देवा गुर्जर से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी और न देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। देवा भी इस बात को लेकर परेशान था और उसने इस सिलसिले में थाने जाकर रिपोर्ट भी लिखवाई थी। आरकेपुरम थाने में दी थी शिकायत। देवा गुर्जर ने पिछले महीने यानी 26 मार्च को कोटा के आरकेपुरम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गई तहरीर में उसने लिखा था, मैं रावत भाटा में कंस्ट्रक्शन के काम को लेकर लेबर सप्लाई का काम भी कर रहा हूं। इसी काम के सिलसिले में मैं अपने गांव बुरावास में 23 मार्च को था। वहीं मुझे एक धमकी भरा फोन कॉल आया। कॉल करने वाले ने 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि हिस्ट्री शीटर डॉन की इस तहरीर को पुलिस ने कोई खास गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन इस शिकायत के लगभग एक सप्ताह बाद ही देवा को सोमवार को मौत के घाट उतार दिया गया। ऐसे हुआ देवा गुर्जर का मर्डर। सोमवार शाम करीब 5:30 बजे रावत भाटा के कोटा बैरियर गणेश मंदिर के पास देवा एक सलून में बैठा हुआ था। तभी कई गाड़ियों पर सवार होकर लगभग 8 से 10 बदमाशों ने धावा बोल दिया। लोहे के पाइप और डंडों से देवा पर जानलेवा हमला कर दिया। देवा को संभलने का मौका ही नहीं मिला। उसका कोई साथी उसके साथ उस वक्त मौजूद नहीं था। देवा को गोलियां भी मारी गईं। हमले में देवा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए कोटा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब देवा को मिली धमकी और उसके मर्डर का आपस में कोई लिंक है या नहीं, ये पुलिस की जांच में ही पता चल पाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।